डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यूज कहीं पे भी आपको पूछ लें आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सबसे पहले देख लेते हैं होती क्या है ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो सेल्समैन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम है कि हमारे पास लेट से ग्राफ की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये मेरे पास इस ग्राफ में चार नोड्स हैं, 1, 2, 3, 4। इन नोड्स को आप बोल सकते हो सिटी, ठीक है, और बीच में आपको एजेस दिख रही है। ये एजेस जो है वो इस डायरेक्शन में भी है, बहुत डायरेक्शन में एजेस जो है वो मैंने बनाई हुई है। वो इसलिए बनाई है कि मे बी 1 to 2 वेट कुछ और है, 2 to 1 वेट कुछ और है, और वो सारे वेट्स आपको इस मैट्रिक्स में गिवन है। अब एक्चुअल में है क्या प्रॉब्लम, कहती है कि यार ट्रैवलिंग जो है ना वो सेल्समैन ने करनी है, और वो ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर नोड से। लेट से मेरा स्टार्टिंग सिटी है 1 से उसने स्टार्ट करना है, टूर करना है, ठीक है। ऑब्वियसली सेल्समैन क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केटिंग टाइप करेगा, ठीक है, मार्केट में जाके वो अलग अलग सिटीज में जाके उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि 1 से स्टार्ट करेगा अपना टूर, एक सिटी से स्टार्ट करेगा, बाकी सिटीज को ट्रेवल करेगा, मतलब 2 को 3 को 4 को किसी भी ऑर्डर में ट्रेवल कर सकता है, और वापस 1 पे ही उसको आना है, ठीक है ना, मतलब घूम घुमा के वापस उसको 1 पे ही आना है। बट कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम। ऑब्वियसली कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये एक्चुअल में क्या है मेरी प्रॉब्लम। तो दिखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हाँ यार ये क्या है, इसमें तो इजीली हम कर सकते हैं, गूगल मैप का यूज कर सकते हैं, ये वो बहुत सी आपके दिमाग में आ रही होगी। लेकिन जब हम इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्या इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। तो देखो अगर हम बात करें, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर पहले अगर हम ग्रीडी अप्रोच को यूज करें, क्योंकि हमने ग्रीडी के बेसिस पे बहुत सारे एल्गोरिदम किए हैं, तो अगर हम ग्रीडी अप्रोच को यूज करें तो हम 1 पे खड़े हैं, 1 से हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम मिनिमम कॉस्ट वाले में जाएंगे। ग्रीडी क्या करता है, एट प्रेजेंट आप जहां पे खड़े हो उस पॉइंट से आपको दूसरे सिटी में कम से कम कॉस्ट कौन लेके जा रहा है उसको चूज कर लो। तो देखो 1 से या तो आप 2 पे जा सकते हो, या 3 पे जा सकते हो, या 4 पे जा सकते हो। तो ग्रीडी बोलेगा कि सबसे मिनिमम वाला चूज कर लो, तो सबसे मिनिमम वाला कौन सा है, 2। तो लेट से मैंने 1 से क्या चूज कर लिया, 2 चूज कर लिया, मतलब मैं 1 से 2 सिटी में चला गया और मेरी कॉस्ट कितनी लगी, 10। 1 से 2 मेरी कॉस्ट कितनी है, 10। अब 2 पे पहुंच के फिर मैंने क्या किया, मिनिमम वाला चूज किया। अब 2 से मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 2 से दोबारा 1 पे चला जाऊं। ये भी ऑप्शन आपके दिमाग में आ सकते हैं कि सर 2 से आप दोबारा 1 पे चले जाओ, फिर 1 से कहीं और। बट गाइज अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में स्टार्ट करके दोबारा से फिर उसी में पहुंच जाओगे तो ऑब्वियसली आपको बाकी सिटीज को भी ट्रेवल करना है, तो ऑब्वियसली आपकी टाइम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, कम होने की बजाय टाइम आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए ऑब्वियसली आप 1 से 2, 2 से दोबारा 1 तो जाने की कोशिश नहीं करोगे। अगर करोगे भी इस क्वेश्चन में आप चूज कर भी सकते हो, लेकिन लेट से कि अगर हम 1 से 2 पे गए, 2 से लेट से मैंने चूज किया कि यार मेरे पास 3 की ऑप्शन भी है और 4 की ऑप्शन भी है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सी है, 4। तो मैंने 2 से 4 वाली सिटी चूज कर ली और कॉस्ट मेरी कितनी लगी, 10। ठीक है ना, कॉस्ट आपको दिख रही है 2 से 4 की कॉस्ट कितनी है, 10। अब देखो 4 से पहुंच के मे बी मैं वापिस 1 पे चला जाऊं, 1 से फिर मैं 3 पे जाऊं या 2 पे चला जाऊं। बट अगर आप किसी भी सिटी को दोबारा से रिपीट कर रहे हो तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि यार सिटी को दोबारा से रिपीट करना मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम बढ़ेगा। तो फिर आप ऑब्वियसली 4 से क्या चूज करने की कोशिश करोगे, 4 से आप 3 को, क्योंकि 2 हो चुका है, 4 हो चुका है, 1 से तो हमने स्टार्ट ही किया था और दोबारा 1 पे पहुंचना है, तो 4 से 1 की बजाय आप 4 से 3 चूज करने की कोशिश करोगे। तो 4 से 3 की कॉस्ट आपकी कितनी है, 20। और फिर 3 से तो ऑब्वियसली आप दोबारा 1 पे जाओगे क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया था, वापस 1 पे पहुंच गए, तो 3 से 1 आपकी कॉस्ट कितनी लगी, 15। तो देखो ये टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें तो कितनी होगी, 20, 40, 50, 55। कितनी कॉस्ट होगी टोटल, ये आपकी 55 कॉस्ट हो गई। तो क्या ये मिनिमम वैल्यू है,
ये हम अभी नहीं बता सकते, ग्रीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आंसर आएगा, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग जब हम यूज करते हैं तब हमें एक्चुअल में ऑप्टिमल आंसर पता लगता है। तो ये ग्रीडी अप्रोच जो है वो इस तरीके से सॉल्व जो है वो प्रॉब्लम को करती है। अब अगर हम बात करें इसमें ब्रूट फोर्स मेथड की, कि यार ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है, आप सारी पॉसिबिलिटीज लगा के देखो, सारी पॉसिबिलिटीज को ट्रेवल करके फिर आप फाइंड आउट करो कि यार सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी आ रही है, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो लेट्स से अगर मैं सारों को ट्रेवल करने की कोशिश करूं तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि लेट्स से आपने 1 से स्टार्ट की जर्नी, एक ऑप्शन आपके पास क्या है, 1 से 2 पे चले गए या 1 से 3 पे चले गए या 1 से 4 पे चले गए। ऑब्वियसली 1 से आपके पास ये तीन ऑप्शन है। अगर लेट्स से आपने 2 चूज किया तो 2 से आपके पास या तो 3 की ऑप्शन है या 4 की ऑप्शन है, 3 से आपके पास या तो 2 की ऑप्शन है या 4 की ऑप्शन है, 4 से आपके पास 2 पे या फिर आप 3 पे जा सकते हो सिटी नंबर, ठीक है। अब ऐसे ही लेट्स से 1 से 2 चले गए, 2 से 3, अब 3 के बाद तो ऑब्वियसली आप 4 पे जाओगे और 4 के बाद या आप 1 पे वापस चले जाओगे। तो एक आपका ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। देन अगर 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऑब्वियसली आप 3 पे जाओगे, 3 से आप फिर 1 पे चले जाओगे, ऐसे ही 1 3 2 इससे आप 4 पे जाओगे, 4 से फिर आप 1 पे, ऐसे ही 1 3 4, 4 से आप 2 पे जाओगे, 2 से आप फिर 1 पे, ऐसे ही 1 4 2 कौन सी बची, 3 बची और फिर उसके बाद आप 1 पे चले गए, 1 4 3 3 के बाद 2 बची, 2 के बाद ऑब्वियसली आप 1 पे चले जाओगे। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज आप बोल सकते हो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इन सब की वैल्यूज इवैल्यूएट कर लो, इवैल्यूएट करने के बाद जो मिनिमम आंसर आ रहा है दैट विल बी योर आंसर, जिसमें से एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 2 4 3 1, तो 1 2 4 3 1 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं 55। तो आप इस तरीके से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके जो मिनिमम आंसर आ रहा है वो ब्रूट फोर्स मेथड आपका इस तरीके से काम करेगा। तो ये मतलब ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही आप कह सकते हो एक बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत ही आप कह सकते हो मजेदार प्रॉब्लम है इन द एल्गोरिदम, क्योंकि यहां पे आपको लर्निंग होती है कि यार एक्चुअल में ग्रीडी कैसे काम करता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, क्या ग्रीडी हमेशा मेरा आंसर देता है, ये आप चीज आपको यहां पे पता लगती है। तो अगर आप सॉल्व करोगे, मैं सारे सॉल्व करके नहीं बता रहा, अगर आप सारे सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लग जाएगा, करना क्या है कुछ भी नहीं है, कॉस्ट आपके सामने है उसको ऐड करके आप वैल्यू कर लो। तो लेट्स से मैं एक इसमें से 1 से 3, 3 से 1 से 3 अगर मैं गया, 1 से 3 मेरी कॉस्ट कितनी है 15, तो मैंने यहां पे 1 से 3 वाली कॉस्ट 15 चूज कर ली, 1 से 3 मेरी 15, 3 से लेट्स से मैं गया 4 पे, तो 3 से अगर मैं 4 पे गया तो मेरी कॉस्ट कितनी लगी 5, 4 से गया मैं 2 पे, लेट्स से मैं ये वाला इवैल्यूएट कर रहा हूं, 4 से गया मैं 2 पे, तो 4 से अगर मैं 2 पे गया तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई यहां पे 10, और 2 से 1, 2 से 1 मेरी कॉस्ट कितनी हुई यहां पे 5, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी 15 और 5 20 30 35। तो लो जी आपके पास कॉस्ट जो है वो ग्रीडी से कम आ गई, तो यानी ये आपका पॉइंट बन गया कि ग्रीडी यहां पे फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको लिख भी सकते हो, एग्जाम्स में कहीं पे भी आप बता सकते हो, और अगर आप इवैल्यूएट करके देखोगे ना इन सारे आंसर्स को, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो 35 ही आपको सबसे मिनिमम आंसर मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर जो है वो क्या बन रहा है, 35 इज द मिनिमम आंसर। तो ये पॉइंट जो है वो अपने नोट में जो है अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि आपको क्लियर कट आंसर जो है वो पता लग जाए। सारों को इवैल्यूएट करने की आप अपने नोट्स में कर सकते हो, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टाइम फालतू में यहां पे लगेगा। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, मे बी आपके दिमाग में अगर आए, कई बार आ जाता है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर 1 से 2 अगर जाते हैं तो कॉस्ट लग रही है 10 और 2 से 1 जाते हैं तो कॉस्ट लग रही है 5। दिख रहा होगा आपको कि 1 से 2 गए तो कॉस्ट लग रही है 10, 2 से 1 आए तो कॉस्ट लग रही है 5, ये कैसे हो सकता है, मतलब एक सिटी से दूसरे गए तो कॉस्ट मेरी 10 लग रही है और वापस आए तो कॉस्ट कम कैसे हो गई। सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स से आप गए साइकिल पे और आए हो कार पे, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो इसीलिए जब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को ग्राफ की मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसको आप एक पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट ना करो, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। जैसे बेलमैन फोर्ड वाले में मैंने आपको नेगेटिव वेट्स कैसे पॉसिबल है वो भी आपको आंसर बताया था, तो ऐसी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप गए साइकिल पे वापस आपने कार पे सफर किया, तो मे बी आपके टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा। हाँ अगर हम मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मे बी आपका जो मनी है वो ज्यादा हो सकती है। तो कोई भी फैक्टर है, दिस इज जस्ट अ मैट्रिक, दिस इज जस्ट अ नंबर, इसको आप मनी
टाइम कुछ भी इस तरीके से मेजर कर रहे हो तो आपको बड़ा ध्यान से मेजर करना है। इस चीज में अगर हम बात करें तो आप एफर्ट्स बोल सकते हो, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ टाइम बोल सकते हो, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू जो है वो चूज करनी है। तो इस तरीके से आप इसको कोई भी एग्जाम्पल से रेलिवेंट जो है वो कोई भी एग्जाम्पल आप मैप कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर कितना बन रहा है आपका 35। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, ये जो ब्रूट फोर्स मेथड हमने लगाया है, तो हमने किया कि एक्चुअल में 1 से हमारे पास 1 से हमने n नंबर ऑफ नोड्स हैं, 1 से लेके हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग वापस 1 पे जा रहे हैं, मतलब 1 से n नंबर ऑफ नोड्स है, घूम के मुझे पता 1 पे जाना है, 1 से n नंबर ऑफ नोड्स है, लेकिन वापस मेरा सफर कहां पे खत्म होगा, 1 पे। तो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो 1 2 3 4 वापस घूम पे 1, या फिर 1 2 4 3 घूम के 1, या फिर 1 4 3 2 1, इस तरीके से ये जो बीच की n माइनस 1 नोड्स हैं इनके बीच में पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही है। बाकी के जो nth नोड है वो तो क्या है आपकी सेम ही है, 1 1 वाली तो सेम ही है। तो बीच में जो n माइनस 1 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसको आप बोल सकते हो n माइनस 1 फैक्टोरियल टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी यहां पे बन रही है। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इतनी पॉसिबिलिटीज अगर आपके बन रही है, अगर नंबर ऑफ नोड्स है ना, जैसे इस केस में आप कह सकते हो कि 4 नोड्स है, तो 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो 3 into 2 6, तो देखो 6 पॉसिबिलिटीज आपके सामने है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ की फॉर्म में लिखें इसको, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो, और ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करोगे तो इट इज n पावर n, विच इज द बिगेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपोनेंशियल में अभी तक हमने 2^n के बारे में बात किया था, चाहे 0-1 नैपसैक हो, चाहे सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम हो, लेकिन n^n इज द बिगेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ब्रूट फोर्स मेथड से आ रही है, तो ऑब्वियसली इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो हम बेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग फिर इसमें डायनामिक अप्रोच को लगाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डायनामिक प्रोग्रामिंग का हिंट जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का फंडा क्या है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग का बेनिफिट तभी होता है, एक तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम्स में डिवीजन जो है वो होनी चाहिए, सब प्रॉब्लम्स में हम उसको डिवाइड कर सकें, दूसरा जो मेरी सब प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होना चाहिए, मतलब रिपीटिशन अगर हो रही है सब प्रॉब्लम्स की तो ऑब्वियसली हम उसको एक बार इवैल्यूएट करके स्टोर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम उसको यूज कर लेंगे ताकि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो के। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो ठीक है, मेरी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी छोटी आपकी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड तो हो रही है, एक यहां पे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पे रिपीटिशन की, तो देखो यहां से 1 से 2 1 से 3 1 से 4, ठीक है, और यहां से 2 3 4 1, ये अलग होगी प्रॉब्लम, यहां से 2 4 3 ये अलग है, ये वाली आपकी सब प्रॉब्लम अलग है, ये वाली सब प्रॉब्लम अलग है, ये वाली सब प्रॉब्लम अलग है, और ये वाली सब प्रॉब्लम अलग है, मतलब इनके बीच में कोई भी रिपीटिशन जो है वो आपको नहीं दिख रहा। लास्ट लेवल पे मे भी आपको दिख जाए, जैसे ये अगर हम लास्ट लेवल की बात करें तो मे भी आपको लास्ट लेवल में मे भी आपको दिख जाए जैसे 4 1 रिपीट हो रहा है या 3 1 या 3, लेकिन रेस्ट ऑफ n माइनस 1 लेवल पे कोई रिपीटिशन नहीं है। तो इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग यहां पे लगाने के बाद आप n^n से थोड़ी बहुत रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन स्टिल वो रहेगी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही, पॉलीनोमियल में वो कन्वर्ट नहीं होगी, विच वाज इन द 0 1 नैपसैक या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया उसमें मे बी पॉसिबल है, यहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें, इसको कई बार मे बी आपको यहां पे कहीं ना कहीं लिखा हो सकता है हैमिल्टोनियन साइकिल, इसको हम हैमिल्टोनियन साइकिल भी बोलते हैं, वैसे तो ये ग्राफ थ्योरी का पार्ट है। हैमिल्टोनियन साइकिल होता ही ये है, एक नोड से स्टार्ट करके सारी नोड्स जो है वो ग्राफ की कवर करके वापस उसी नोड पे आना, दैट इज अ हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम, तो इसको इसीलिए हम हैमिल्टोनियन साइकिल भी बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए जस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी यही नोट कर लो, लेकिन स्टिल हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग से थोड़ा बहुत कितनी रिड्यूस होती है दैट वी विल चेक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।